देखिए भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तो प्रदेश नेतृत्व है, मुझ पर विश्वास जताया है, 6 बार पहले भी मुझे टिकट दिया और मैं चुनाव जीतकर और भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं और पुनः 7वीं बार मुझे टिकट दिया है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, हूं और रहूंगा। और सेवा का जो अवसर दिया है तो मैं हमेशा सेवा का कार्य करता रहूंगा। आगे क्या मुद्दा रहेगा जिस पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए मुद्दा रोटी बेटी और माटी का होगा, उससे बड़ा मुद्दा इस राज्य के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता है। और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जब हजारीबाग आए थे तो उन्होंने भी इसी बात को कहा कि झारखंड के लिए रोटी बेटी और माटी। चूँकि आज देख रहे हैं कि किस प्रकार से संथाल परगना में डेमोग्राफी चेंज हो रहा है और धीरे धीरे वो इधर की ओर बढ़ रहा है और हमारे खास करके आदिवासी भाइयों और बहनों का लैंड जिहाद हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि हमारे इस झारखंड की अस्मिता का सवाल है। जेएमएम कांग्रेस और राजद तीनों ने मिलकर ठगबंधन बनाकर और झारखंड की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो रोटी बेटी और माटी तीनों सुरक्षित रहेगी, यह मोदी जी की गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की गारंटी है। ठीक है, हम तो आओ नीचे आओ, चलिए छोड़ दीजिए। मेरा मुकाबला किससे है आप पहले से कैसे जान गए, इसलिए किससे मुकाबला होगा? भाई चुनाव है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। जनता जिसको सहयोग समर्थन आशीर्वाद देगी वो विजयी होगा, ये तो स्पष्ट है, इसमें किंतु परंतु की बात कहाँ है। संबोधन में कई सारी बातें आपने कही सर, बड़े भावुक भी दिख रहे थे। वो समय था, वो क्षण बीत गया, अब तो मैं नामांकन कर दिया, कार्यकर्ता हमारे हजारों की संख्या में थे, पानी में भींग करके और सांस ले रहे थे, आगे भी देंगे। तो मैं यही कहूँगा कि हर समय अलग अलग क्षण होते हैं तो हर क्षण की अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं। देखिए बिल्कुल 100% उम्मीद है, बल्कि 200% उम्मीद है, क्योंकि जनता जो रांची की है वो ऊब चुकी है अपने 30 साल पुराने विधायक को देख देखकर, क्योंकि रांची का कोई डेवलपमेंट उन्हें नहीं दिखता। राजधानी वासी तरह तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं, लगता नहीं है कि राजधानी है। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार की ओर से, महागठबंधन की ओर से रांची को एक मेट्रो सिटी बनाएंगे, आज हम लोग यही वादा करते हैं, ये संकल्प लेते हैं और अपने राज्य को इस देश का अव्वल राज्य बनाने का संकल्प तो माननीय हेमंत सोरेन जी ने पहले ही लिया है और दिशम गुरु शिबू सोरेन जी के दिशा निर्देश पर लगातार काम कर रहे हैं। हम सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार के सदस्य हैं, सिपाही हैं, हम उनके निर्देशों का पालन करके झारखंड की जनता को, हमारे रांची वासियों को वह दिन दिखाएंगे जिसका उन्होंने बहुत दिनों से सपना देख रखा है। बस मेरी अपील है कि हमारे रांची वासी मुझे इस बार जिताएं, 13 तारीख को निकल कर वोट करें ताकि मैं आपकी सेवा में लग जाऊं और तन मन धन से आपकी सेवा करूं। धन्यवाद। मैं रांची वासियों को ये भरोसा दिलाना चाहती हूं कि इस बार मुझे मौका दीजिए, 13 तारीख को निकलकर मुझे वोट कीजिए तीर धनुष छाप पर, ताकि मैं आप लोगों के लिए तन मन धन से सेवा करने का संकल्प ले सकूं और हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिशम गुरु शिबू सोरेन जी, माननीय हेमंत सोरेन जी जिस तरह से चाहते हैं कि इस राज्य का विकास हो, अपने राज्य को वो देश का नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं, रांची वासियों को हम लोग एक मेट्रो सिटी का सुख देना चाहते हैं। विगत 30 वर्षों से उन्होंने अपने जनप्रतिनिधियों को चुना, लेकिन
रांची की जो स्थिति है उसे देखकर नहीं लगता कि ये राजधानी है। मुझे एक बार मौका दीजिए, मैं आप लोगों की हर समस्या से आपको निजात दिलाने का प्रयास करूंगी और इस शहर को मेट्रो सिटी बनाऊंगी। अभी हाल में फ्लाईओवर दिया गया है माननीय हेमंत सोरेन जी की तरफ से, तो ये तो सिर्फ एक झलकी है। आने वाले दिनों में आप देखिए कि कैसे तरक्की करता है हमारा रांची। बस एक बार आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं आपकी शुभकामना और आशीर्वाद की कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने सेट में फाइल की है? आज तीन सेट में। तीन सेट में? ठीक।